स्वानी में हुए दंगों को लेकर स्वामी दीपांकर ने गाजियाबाद में हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बता दें आपको कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर स्वामी दीपांकर से खास बातचीत की है संवाददाता ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। स्वामी दीपांकर जी, आपने देखा कि हल्द्वानी में एक बड़ी घटना हुई है, कैसे देखते हैं उसे? मैं कहूंगा कि हल्द्वानी को जलाने का कुचित प्रयास हुआ है। मैं समझता हूं कि इस घटना को सरकारों को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि आप पहले जमीन को कब्जा करेंगे, उसके बाद उस पर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर उस पर कोई मजहबी एक्टिविटी करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है उसे हटाने के लिए या पुलिस जाती है तो आप उस पर पत्थर बरसाएंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे। मैं समझता हूं कि क्या आप कानून को चुनौती देना चाहते हैं, पुलिस को चुनौती देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो भी आपकी बहन बेटी माँ जैसी है भाई, आप ही के परिवार के वो भी लोग हैं, मगर इस प्रकार उनके साथ करना मैं समझता हूं कि ये संविधान के साथ साथ सरकार को चुनौती है। क्या लगता है स्वामी जी, आपको सोची समझी साजिश थी? निसंदेह, जब डीएम कह रही है कि एक दिन पहले छतों पर पत्थर नहीं थे तो फिर एकदम से अचानक से अवतरित हुए कैसे? पुलिस वाले कह रहे हैं हमें चारों तरफ से घेर लिया गया। महिला ये कह रही है कि जो महिला पुलिस है बोले कि किसी तरह से जान बचा कर आए, कि हम लोगों को एक कमरे में बंद होकर रहना पड़ा। मैं समझता हूं कि यह साधारण स्थिति नहीं है, और अगर यही स्थिति रही तो इसके परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। तो मेरा करबद्ध निवेदन है पुष्कर भाई से, पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जिससे आगे कभी कोई पुलिस पर हाथ उठाने की छोड़िए, पुलिस के प्रति गलत